शिक्षार्थियों, आज हम सूक्ष्म अभ्यास करेंगे। योग में सूक्ष्म अभ्यास का एक अपना महत्व है और योग में कोई भी क्रिया करने से पहले हमेशा आप यौगिक प्रार्थना यानी यौगिक प्रेयर से उसका आरंभ करें। सबसे पहले हम यौगिक प्रेयर करते हैं। आइए यौगिक प्रार्थना करते हैं। हम लोग दोनों हाथों को वक्षस्थल के पास लाएं और वक्षस्थल के पास लाकर दोनों हाथों को जोड़ें। ईश्वर का ध्यान करते हुए कोमलता से दोनों आँखें बंद करें और 3 बार ओम का उच्चारण। अस्तु मा सद्गमय। ॐ तं सोमा ज्योतिर्गमय। अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। ये यौगिक प्रार्थना धीरे से अपने ध्यान को ईश्वर को नमन करते हुए इस प्रकार कोमलता से अपनी आँखों के सामने दोनों हाथों को परस्पर रगड़ते हुए धीरे से उस ऊर्जा को अपने आँखों के सामने लाएं और पुनः दोनों हाथों का एक बार फिर संघर्षण करें दोनों हाथों को रगड़ते हुए और पूरे मुख मंडल पर इस तेज पुंज को ऊर्जा को लगाएं और एक बार पुनः हाथ धीरे धीरे अपने घुटनों पर ला करके कोमलता से अपनी आँखें खोल दें। तो इस प्रकार हमने यौगिक प्रार्थना की। यौगिक प्रार्थना के पश्चात आइए सूक्ष्म व्यायाम में सबसे पहले हाथों के लिए संधि संचालन का अभ्यास करते हैं। उद्देश्य हमारा यही है कि हाथों के लिए संधि संचालन के अभ्यासों को पूरा करने के पश्चात हम इनको प्रदर्शित करने और इनको करने में निपुणता प्राप्त करेंगे और सक्षम होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, योग करने के लिए हमारे जो वस्त्र बहुत मायने रखते हैं, तो अभ्यास करने से पहले जो निर्देश दिए गए हैं उनका पूर्ण ध्यान रखें। आरामदायक ढीले सूती वस्त्र पहने। अभ्यास करने से पहले यदि आपके पास पेन पेंसिल कलाई में बंधी घड़ी बेल्ट और भी आभूषण हैं तो उनको निकाल कर बाहर रख दें। हम सबसे पहले हाथों के लिए जो संधि संचालन के अभ्यास की बात करते हैं, सबसे पहले करते हैं मुष्ट का बंध। मुष्ट का बंध
करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथों को कंधे के सीध में ऊपर उठाएंगे। कंधे के सीध में ऊपर उठाकर अब ध्यान रहे कोहनी सीधी रहें, अंगूठे को अंदर रखते हुए मुट्ठी बंद करेंगे। श्वास लेते हुए मुट्ठी खोलते हैं, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करते हैं। तो किस प्रकार करते हैं? श्वास लीजिए, मुट्ठी खोलिए, श्वास छोड़िए, मुट्ठी बंद कर लीजिए। यही क्रम बार बार दोहराना होता है। श्वास लेते हुए खोलिए, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बंद कर लीजिए। तो ये है मुष्टिका बंद। नेक्स्ट हम करते हैं मणिबंध। मणिबंध नमन में हमारे हाथों की पोजीशन पहले की तरह इसी तरह, यहाँ से हमारे दोनों हाथ सामने की ओर खुलेंगे, दोनों हाथ ऊपर की ओर खोल देते हैं। अब हाथों को ऊपर की ओर, केवल हथेलियों को ऊपर की ओर उठा देते हैं। हथेलियों को कलाई से अब नीचे करते हैं, नीचे ले आइए। पुनः धीरे धीरे वापस ऊपर की ओर ले आइए। श्वास के लिए ध्यान रखना है, श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ मोड़िए। इसी क्रम को बार बार दोहराते हैं। वापस हम अपनी पहली पोजीशन में अपने दोनों हाथों को घुटनों के पास रखकर कुछ समय यानी कुछ सेकंड विश्राम कर लेते हैं। विश्राम के समय हमारी श्वास की गति सामान्य रहे और आइए आगे हम मणिबंध चक्र करेंगे। आइए मणिबंध चक्र करते हैं। मणिबंध चक्र के लिए पहले की तरह दोनों हाथों को सामने कंधे के सीध में सीधा रखते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी पहले की तरह अंगूठे अंदर रखते हुए बांधकर अब गोल गोल घुमाते हैं। दोनों हाथों के बंधी हुई मुट्ठियाँ इस प्रकार की एक सर्किल की तरह और 5-6 बार घुमाने के पश्चात उसका अपोजिट यानी पहले जो डायरेक्शन थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में 5-6 बार घुमाते हैं। दोनों दिशाओं में 5-6 बार घुमाने के पश्चात फिर पुनः थोड़ी देर विश्राम के लिए वापस आते हैं। विश्राम की स्थिति और अब हम कोहनी नमन करने जा रहे हैं। कोहनी नमन के लिए सबसे पहले दंडासन की स्थिति। दंडासन के पश्चात अपने दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाते हुए कंधे की सीध में और यहाँ से अपनी कोहनी से
हाथों को मोड़ते हुए कंधे को टच करें, पुनः वापस हाथों को सामने फैलाएं। इस प्रकार 5-6 बार इस अभ्यास को दोहराते हुए हम विश्राम की अवस्था में आते हैं, धीरे धीरे विश्राम की अवस्था में आते हुए। आइए अब स्कंद चक्र हम करते हैं। किस प्रकार हम करेंगे इसकी विधि हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अपने इस अवस्था से दोनों हाथों को कंधे के पास तक ले जाने के लिए अंगूठे से टच करेंगे। दोनों अंगूठे हमारे कंधे और हमारी उंगलियां भी कंधों को टच करती हैं। यहाँ से हम पूरा चक्र एक बड़े वृत्त में इस प्रकार घुमाएंगे। जितना बड़ा हम सर्किल बना सकते हैं उतना बड़ा सर्किल बनाने का प्रयास करते हैं। श्वास का विशेष ध्यान रखें, आगे आते हुए श्वास को बाहर निकालना है और पीछे ले जाते हुए श्वास को छोड़ना है। इस प्रकार 5-5 बार, यानी 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज इस अभ्यास को करते हैं। पूरी चेतना, पूरी सजगता कंधों के आसपास रखिए और कंप्लीट होने के पश्चात थोड़ी देर विश्राम अवस्था में आ जाइए।